अल्लाह पर झूठ बोलना अकीदे के सिलसिले में, हलाल और हराम के सिलसिले में। जैसे कोई आदमी कहे, देखो जैसे बादशाह होता है, बादशाह तक कैसा पहुंचते, वजीर के जरिए से। और जिंदगी में अगर कोई केस आ जाए तो जज के सामने से खुद खड़े होते क्या? नहीं। कैसा होता? एक वकील लेना पड़ता अपना केस लड़ने के लिए। कुएं में आप पानी चाहिए आपको, कैसा लेते आप? हाथ डाल के लेते क्या? नहीं लेते, डोल से लेना पड़ता है। ऊपर जाना है अगर 10वीं मंजिल पर, क्या करते हैं? सीढ़ी से जाते हैं आप, लिफ्ट से जाते हैं। तो यानी क्या है फिर? तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला चाहिए, बगैर वसीले की नहीं जा सकते। तो क्या करना? तो ये करना, कब्रों पे जाना, चादर चढ़ाना, शीरीनी, नाड़े, धागे, बूंदी, लड्डू, ये सब करना, कंदोरी, नजर नियाज, बुजुर्गों के नाम की सजदे, सजदे वहां जाकर उनके नाम की कुर्बानियां, उनसे दुआएं, उनके नाम पे बच्चों के नाम रखना, ऐसे ऐसे नाम रखना कि आदमी की जो है तबीयत बिगड़ जाए नाम सुन के। जुम्मन बख्श और कुछ भी इस तरह के नाम, कैसे कैसे नाम बाबाओं के, नंगे शाह, पागल शाह, दीवाना बाबा, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। यानी उम्मत नबी को छोड़ के जब रास्ता छोड़ देगी तो मालूम नहीं किस किस के पीछे जाएगी। तो अल्लाह के बारे में झूठ है। अल्लाह ने किधर बताया हमको कि अल्लाह तक बगैर वसीले के नहीं पहुंच सकते? और दलील क्या है? देखो अल्लाह ने नबी तक वही भेजी तो जिब्रील को चुना ना। अल्लाह भी वसीला लेता, तुम नहीं लेते, कैसे बुरे लोग हो तुम? अल्लाह भी वसीला लेता हो, अल्लाह को भी वसीला लगता है, तुमको वसीला नहीं मानते, अल्लाह ने वसीला लिया। तो अब ऐसी दलील, भाई अल्लाह ने देने के लिए वसीला लिया, हम अल्लाह पर से अपने लिए कायदा नहीं ले सकते। अल्लाह ने आसमान से आग और पत्थर भी बरसाए, तुम अपनी बिल्डिंग पे ऊपर जाके नीचे चलने वालों से बरसा सकते क्या? नहीं कर सकते। हमको अल्लाह की इत्तबा करना है या रसूल की? अल्लाह ने क्या कहा? जो मैं करता हूं करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बाद लोगों ने चूंटियों को जला दिया, आपने कहा ला युअद्दिबु बिन्नार इल्ला रब्बुन्नार, आग से सजा देना आग के रब ही का हक है। ये नहीं कि हम अल्लाह की चीजें इख्तियार करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस्लामी हुकूमत है, अल्लाह ताला को जो बुरा बोलता है अल्लाह उसको माफ भी कर सकता है, लेकिन इस्लामी हुकूमत है तो जो आदमी मुर्तद हो जाए उसको सजा देनी पड़ेगी। तो अल्लाह का मामला हमारे साथ नहीं है, हमको नबी के तरीके पर चलना है। अल्लाह जो चाहता है कहता है, करता है, जो चाहता है कहता है, जो चाहता है हुक्म नाजिल करता है, अल्लाह की मर्जी। हम आजाद नहीं, अल्लाह आजाद है। कोई आदमी कहने लगे अल्लाह जो चाहता है करता है, मैं भी जो चाहता है करूंगा, अल्लाह के तरीके पर चलूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। उसको पाबंदी, अल्लाह के लिए कोई पाबंदी नहीं है। यह फ़अलुल्लाह मा यशा, अल्लाह जो चाहता है करता है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून, वो जो करता है उसको कोई पूछ नहीं सकता है तूने ऐसा क्यों किया, लेकिन उनसे पूछा जाएगा जो पूछ रहे हैं। तो हम क्या अल्लाह की तरह नऊज़ु बिल्लाह हम वो रास्ता इख्तियार कर सकते? नहीं। तो लोग अल्लाह के लिए झूठ घड़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नल लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ्लिहून, ए नबी कहिए कि जो लोग अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। मताउन फिद दुनिया सुम्मा इलैना मरजिउहुम, दुनिया में थोड़ा कुछ मिल जाएगा उनको, लेकिन पलट के याद रखो तुमको हमारी तरफ आना है। अल्लाह पे झूठ बांधता है अगर, खुसूसन दीन के मामले में अकायद घर के लोगों को गुमराह करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया का थोड़ा कुछ मिल जाएगा लेकिन पलट के तुमको हमारी तरफ आना है। सुम्मा नुज़ीकुहुमुल अज़ाब अश्शदीद बिमा कानू यकफुरून, इनके कुफ्र की वजह से, इनके कुफ्र के नतीजे में सख्त अजाब इनको दिया जाएगा, ये सख्त अजाब चखेंगे आखिरत में। तो हमारे समाज में अल्लाह के बारे में बहुत कुछ झूठ घड़े जाते हैं, बल्कि बाज लोगों ने तो इतना भी कह दिया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम दस्तगीर कैसे पड़ा? जन्नत में अल्लाह ताला के साथ जा रहे थे, नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला का पांव फिसल गया, इन्होंने पकड़ लिया तो उससे इनका नाम दस्तगीर पड़ गया। क्या ही? हमारे एक भाई बता रहे थे कि उन्होंने सुना एक बयान में इस तरह से किसी ने कहा, क्या क्या है?
अल्लाह के बारे में इतना बड़ा झूठ। तो इस तरह का झूठ बोलना ये आज हमारे आ चुका है, ये दीन के नाम पर झूठ बोला जाता है। अल्लाह के बारे में कोई भी आदमी जो जी में आता है बोल देता, हाँ इस्लाम में ऐसा है, हाँ अल्लाह ने ऐसा कहा है, हाँ ऐसा ही है। तो अल्लाह के बारे में वसायल और वसायत मानना कि अल्लाह तक इनके बगैर नहीं पहुंच सकते हैं, ये झूठ है और ये शिर्क है, ये आदमी को इस्लाम से निकाल देता है। और यही अरब के मुशरिकीन का शिर्क था।